करनाल के घरौंडा में बलहेड़ा गांव से कलहेड़ी गांव में आए हुए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने युवक का शव फंदे से लटकी अवस्था में बरामद किया है। मृतक अवनीश बलहेड़ा गांव का रहने वाला था और अपनी महिला दोस्त से मिलने कलहेड़ी गांव में उसके घर आया हुआ था। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार अवनीश को पड़ोसी के युवकों ने घर में घुसते हुए देख लिया। युवकों ने अवनीश के साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि कुछ देर बाद जब वे घर आए और कमरे का दरवाजा खोला तो युवक फंदे से लटका हुआ था। वहीं मृतक अवनीश के पिता रमेश ने आरोप लगाया है कि उनके लड़के को पहले घर बुलाया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और बाद में उसे पंखे से लटका दिया गया। पट्टी लगने के बाद पट्टी कौन बांधता है उस लड़के के? पट्टी बंधी भाई उसके जी, अगर पट्टी बंध रही है, पट्टी बंध रही है। देखो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जी, पट्टी देख रही खून रोकने की कोशिश की, जैसा सोटा लग रहा है जी, उसको खून को बंद करने के लिए उन्होंने कोशिश की लेकिन वो वहीं प्राण छोड़ गया जी। आपका आइडिया है कि पहले उसको मार, पहले उसको मार के और फिर बाद में टांगा जी? इन्होंने मार पीट की, लड़की वालों ने, लड़की वालों, लड़की के पड़ोसी है जी, लड़की वाले तो बेचारे थे भी उधर, जो भी लड़की वाले, हाँ वे लड़के भाई पता लगा लड़के के लड़की के साथ। हाँ जी, हमने ये पता लगा भाई, लड़की के घर आया था लड़का। हाँ जी, यही बता रही जी। वहाँ पर गांव वालों ने मारपीट करी? हाँ जी, गांव वालों से पक्ष के पड़ोसी थे जी, जो वहाँ के पक्ष के लोग। तो आप क्या कार्रवाई चाहेंगे उनके खिलाफ? भाई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो 302 का और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। 302 का मामला दर्ज कर लिया है। हाँ जी, कितने लोग कोई पकड़ा है? कोई पुलिस ने किया? पुलिस ने 2-3 पकड़ रखे, पता नहीं 3 पकड़ रखे जी। कितने लोग जी, क्या कहेंगे, कितने लोग पकड़े हैं, क्या मामला दर्ज हुआ भाई साहब? 302 मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला पूरा क्या है? मामला ये है कि मेरे पास एसएचओ साहब का फोन आता। अच्छा भाई, ऐसे ऐसे करके गांव का लड़का है, मगजी है जी, आगे इसने यहाँ फांसी ले ली। हम मौके पे गए, इसके पिताजी, हम 5-7 आदमी वहाँ गए। अच्छा। मौके पे देखा तो उसके उसके जो पैर भी है ना जी, ये नीचे नू मिले। फांसी तो नहीं ले सका था। फिर उसमें जिसमें जो एसएचओ साहब ने गिरफ्तार करे 3-4, मैनू बोले सबके सामने बात हुई है तो भाई, हमने 5-5, 7-7 मार का हमने भीतर मुहिम दिया था, कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया था। अच्छा, तो फिर हमने कि अभी फांसी तो नहीं, यहाँ से ले सकता क्योंकि बेड भी बरोबरों में और पैर इसके नीचे क्यों लग रहे? दूसरे घर पास जो आदमी का प्राण लिखने लगा वो बहुत बचने की कोशिश करे, तो पैर जमीन पे तो नहीं होना चाहिए। हमारा सक यही हुआ जी, और हमने पूरा हुआ है कि वो मार के टांग हत्या कर दी। हाँ दे दीजिए पर्चा करा दे 302 में। हत्या का मामला? हाँ जी, नहीं देखा जी, कुछ लोग हिरासत में भी लिए हैं। 3 लोग ठहर रखे पुलिस ने। पता नहीं आपका कहने का मतलब, पहले इसकी पिटाई की गई और फिर पंखे से इसको लटकाया गया। जब लड़का गुजर लिया पिटाई के बाद, सिर में लगने के बाद, तो फिर साजिश के तहत उन्होंने सलाह मना के ये कहा, अब इसको ये कह देंगे फांसी ले लेने अपने आप। अच्छा, मतलब एक साजिश की है उसको, करके टांग दिया। हाँ जी, मुझे टांग दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर कल सूचना मिली थी भी कलेड़ी में एक नौजवान लड़के ने फांसी ले लिया। हम मौके पे गए थे, परिजन बुलाए थे, परिजनों ने 6 आदमियों के खिलाफ भाई नेम शिकायत दी थी जिस पे मुकदमा दर्ज कर लिया जी। उनका आरोप है बीमारे लड़के की हत्या करके पंखे पे टांग गया है, जांच जारी है जी, पोस्टमार्टम करवाया है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? 6 के खिलाफ भाई ने जी। हत्या का जी? कोई गिरफ्तारी भी है? नहीं, अभी से जांच चल रही है, अभी से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद प्रेम प्रसंग का मामला था जी। प्रथम उसमें क्या आया, कोई प्रेम प्रसंग का? कोई अभी से जांच चल रही है जी। कौन से गांव का मामला है? कलेड़ी गांव है जी, ग्रोंडे के पास, ग्रोंडा पुलिस स्टेशन। लड़के का नाम अवनीश, उम्र उसकी है 22-23 साल। कहाँ का है ये? बलेड़ा गांव का है। तो कलेड़ी में आया था? हाँ, कलेड़ी में। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घर में अकेली लड़की के पास युवक को घुसते देख पड़ोसियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद उसके साथ मारपीट की और कमरे में बंद करके बाहर आ गई। मामले की सूचना लड़की के परिजनों को दी। कुछ देर बाद जब लड़की के परिजन वहां पहुंचे तो फंदे से लटके युवक की मौत हो चुकी थी। लड़की के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व एफएसएल टीम ने छानबीन शुरू कर दी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं युवक के परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।